टीपीसी के एरिया कमांडर आजाद जी के नाम पर लेवी की मांग करने और लेवी नहीं देने पर मुंशी की पिटाई करने और ठेकेदार पर दिन दहाड़े गोली चलाने की घटना का खुलासा 48 घंटे में करके पिपरवार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, इस गोलीबारी की घटना में शामिल राहुल साव पिता उमेश साव साकिन पचरा बस्ती थाना पिपरवार और किशोर मुंडा पिता चंद्रदेव साकिन राय कोलवरी थाना खलारी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में इस्तेमाल की गई काले रंग की अपाची मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। इस बाबत पिपरवार थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें इसकी जानकारी देते हुए टंडवा SDPO आशुतोष कुमार सत्यम ने बताया कि इस गोलीकांड का मास्टरमाइंड मनोज कुमार मुंडा पिता अर्जुन मुंडा साकिन नगड़ुआ थाना पिपरवार जिला चतरा का रहने वाला है, जो पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।2018 को पिपरवार थाना क्षेत्र के बचरा हाई स्कूल के निकट एक पाथवे का निर्माण लोकल ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था, जहां पे 3 अज्ञात अपराधी आए और आकर के लेवी की मांग किए और साथ ही साथ फायरिंग करते हुए अपाची मोटरसाइकिल से तीनों फरार हो गए। इस संदर्भ में पिपरवार थाना कांड संख्या 34/19 भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराएँ 27(68) और 17(1)(2)(CLA) के अधीन दर्ज किया गया था। उपरोक्त कांड के ही अपराधियों के संदर्भ में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लोग पिपरवार थाना क्षेत्र में भवनशील हैं। कल देर रात छापामारी दल के द्वारा पुलिस छापामारी दल के द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापामारी की गई और अलग अलग स्थानों से 2 अभियुक्त को, राहुल कुमार साव और किशोर मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इन दोनों के अतिरिक्त एक जो तीसरा अभियुक्त है मनोज मुंडा, उस पर नियमित छापेमारी की जा रही है, किंतु अभी तक वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और भागा भागा फिर रहा है। इन दोनों अभियुक्तों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और अपराध स्वीकारोक्ति बयान भी हम लोगों के समक्ष दिया है। घटना में जो वाहन प्रयुक्त किया गया है अपाची TVS मोटरसाइकिल को, उसको हम लोगों ने अभियुक्तों के पास से जब्त किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से राहुल कुमार साव का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और वर्ष 2017 में यह पिपरवार थाना क्षेत्र से ही एक बार जेल जा चुका है। मनोज मुंडा जो अभी पुलिस गिरफ्त से बाकी है, वह भी पूर्व से आपराधिक किस्म का व्यक्ति रहा है और उसके ऊपर खिलाड़ी एवं चांदो थाना में आम सेट और मोटरसाइकिल लूट का मामला दर्ज है और वह आम सेट के मामले में खिलाड़ी थाने से एक बार जेल भी भेजा जा चुका है। बहुत संभव है कि हम लोग निकट भविष्य में उसकी भी गिरफ्तारी कर पाएंगे। कांड में जो शामिल अपराधी हैं, उनका विवरण आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया गया है। कांड में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। मैं जो निकल करके सामने आया है, इसमें TPC की भूमिका नहीं प्रतीत होती है। इन लोगों के द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति बयान में भी यह बात कहा गया है कि मनोज मुंडा नाम का व्यक्ति ही इसमें पर्चा लिख करके लाया था और उसी के द्वारा पर्चा दिया गया, तो इसमें कोई ऑर्गेनाइज संगठन की बात नहीं लगती है। अनुसंधान में ये लगता है कि लोकल अपराधियों के द्वारा ही, इन्हीं तीनों के द्वारा ही किया।